लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। जनपद कोरोना संक्रमण से नहीं अछूते रहे सरकारी कर्मचारी। जी हां, लॉकडाउन में भी उनको कोरोना योद्धाओं ने दी अपनी सेवाएं और कुछ कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित। बता दें, कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार भी नहीं रहे कोरोना संक्रमण से अछूते। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा से की सीधी बातचीत वॉइस टीवी के संवाददाता ने और जाना उनका हाल और क्या कहा उन्होंने। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। बस यही है, मुझको बुखार आया था, गले में खराश हुई थी, फिर जांच करवाई तो जांच में हम पॉजिटिव पाए गए। जब आप 10-12 दिन आइसोलेशन बेड पर रहे, वहाँ आपने कैसा महसूस किया? हाँ, शुरू में तो थोड़ी सी घबराहट हुई थी, फिर वहाँ जाके इतना नहीं लगा और लोगों को स्वस्थ होते हुए वहाँ पर देखा। वहाँ का जो इलाज था मेडिकल टीम का, उनका बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ भी परेशानी होती तुरंत दवा मिल जाती थी उसकी, कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर, व्यवस्था बढ़िया थी। आप शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस कोरोना से जंग जीती जाए? हम तो वहाँ से ठीक होकर आए हैं, लोगों से हमारी यही अपील है कि बस इस बीमारी को हल्के में न लें और मास्क लगा के रहें, समय समय से हाथ धोते रहें और कुछ भी चीज़ खाने पीने से हाथ पहले धो लें, उसके बाद कुछ भी खाए पिए, और गंदे हाथ आँखों से या नाक आँख से न लगाएं, ये गर्म पानी पीते रहें। कैसा महसूस किया और आप इस शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सके? पहले तो मैं यही कहूंगा वॉइस टीवी के माध्यम से लोगों से कि इस बीमारी को हल्के में ना लें, और चूंकि हम लोग कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी से स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं, 9 लोग सुखद महसूस कर रहे हैं। भगवान को और मेडिकल कॉलेज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक तरह से हमारा पुनर्जन्म हुआ है। और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, फिरोजाबाद की जनता से, इस वॉइस टीवी के माध्यम से, कि बीमारी को हल्के में ना लें। सरकार ने या WHO ने जो गाइडलाइंस तय की है इससे बचाव की, उसका अच्छे से पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, अनावश्यक भीड़ में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, और जितनी भी एहतियात बरत सकते हैं हम इससे बचने के लिए, उस एहतियात को, उस बचाव के एहतियात हम बरतें, यही हमारी इस बीमारी से बचाव है। ऐसा तो नहीं है कि सरकारी कर्मचारी होने की वजह से आपके आपका जो इलाज है वो अच्छा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल में लगभग 6-7 वार्ड थे, और जिस वार्ड में जितने भी मेंबर्स थे, जो सुविधा मेरे लिए थी वही बाकी अन्य जितने भी पेशेंट्स थे उन सब के लिए थी। सारे मरीज सरकार की नज़र में एक हैं। ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्ति विशेष हूँ तो मुझे कोई विशेष इलाज किया जा रहा हो, सरकार की नज़र में सब एक हैं, सबको एक इलाज दिया गया। मुझसे पहले भी लोग वहाँ से डिस्चार्ज होकर के गए थे जिन्होंने तारीफ की थी, और 100% नहीं, 110% मैं कह सकता हूं कि किसी के भी साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई। अब जब आप अपने घर पहुंच ही गए हैं तो अब आप इस शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सके? मैं कोरोना बीमारी से बचकर हमारा परिवार जो आया है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेडिकल टीम को और उत्तर प्रदेश सरकार को जिन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया। फिरोजाबाद की जनता से मेरा हाथ जोड़ कर के अपील है कि इस बीमारी को हल्के में ना लें। उत्तर प्रदेश सरकार या WHO या भारत सरकार ने कोरोना बचाव की जो गाइडलाइंस जारी की है, उस गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करें। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, बिना मास्क के किसी से बात ना करें, भीड़भाड़ में जाने से बचें, घर से बाहर केवल तभी निकलें जब आपको बहुत आवश्यक कार्य हो, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। जानी अनजानी चीज़ों को जब छू लेते हैं तो नाक और मुंह पर हाथ लगाने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें,
इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से बचाव कर सकेंगे।